आज का पहला सवाल। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 6 अगस्त, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 8 अगस्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 8 अगस्त। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरदयाल प्रसाद को किस कंपनी का नया CEO तथा MD नियुक्त किया है? ऑप्शन ए HDFC फाइनेंस, ऑप्शन बी PNB हाउसिंग फाइनेंस, ऑप्शन सी LIC इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी PNB हाउसिंग फाइनेंस। PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए CEO तथा MD हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पहली किसान रेल बिहार और किस राज्य के बीच चलेगी? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। पहली किसान रेल बिहार और महाराष्ट्र के बीच चलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एक्जिम बैंक ने मोजाम्बिक देश को कितने मिलियन US डॉलर का लोन दिया है? ऑप्शन ए 250 मिलियन US डॉलर, ऑप्शन बी 280 मिलियन US डॉलर, ऑप्शन सी 200 मिलियन US डॉलर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए 250 US डॉलर। एक्जिम बैंक ने मोजाम्बिक देश को 250 मिलियन US डॉलर का लोन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोझिकोड शहर चर्चा में रहा है, यह किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी केरला। हाल ही में कोझिकोड शहर जो चर्चा में रहा है, यह केरल में स्थित है। यह विमान दुर्घटना के कारण चर्चा में बना हुआ है। यह विमान दुबई से केरल आया हुआ था कुछ प्रवासियों को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी इंडिया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी कर्नाटका। कर्नाटका राज्य ने काशी इंडिया ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CRPF के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अरविंद सक्सेना, ऑप्शन बी राजीव महर्षि, ऑप्शन सी PS रानीपसे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी PS रानीपसे। PS रानीपसे को CRPF के महानिरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रशियन कावकाज 2020 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी रूस। रूस में रशियन कावकाज 2020 युद्ध अभ्यास का आयोजन होगा। इस युद्ध अभ्यास में भारत भी शामिल होने वाला है तथा ये रूस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू किए जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में
भारत चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी ड्यूरेंट रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा को भारत चीन सीमा रेखा कहा जाता है। रेडक्लिफ रेखा को भारत पाकिस्तान सीमा रेखा कहा जाता है। ड्यूरेंट रेखा को भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का, 1938 हरिपुर के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुर के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे।